गाइज, अब जबकि बोर्ड एग्जाम सर पर है, सिर्फ एक महीना बचा है बोर्ड एग्जाम 2021 को, क्लास 10 12th के लाखों स्टूडेंट्स, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए हो, आईसीएसई हो या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड से, परेशान हैं, क्योंकि ठीक इस समय पर जब एग्जाम सिर पर है, कोविड के केसेस में बहुत ही बड़ा उछाल आया है। So, hi guys and welcome back to your own channel. मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, ये बहुत चिंता कराने वाली खबर है कि पर डे अब जो कोविड के केसेस जा रहे हैं पूरे देश में वो 60,000 के अबव है। अकेले अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो एक सिंगल डे में 37,000 पर उससे भी ऊपर के केस देखे गए हैं। पुणे की बात करें तो लगभग 6,000 का केसेस देखा गया एक दिन में। अब यहां पे एक बड़ा इशू क्रिएट यहां पे ये हुआ जब कई देश के कई हिस्सों से स्टूडेंट्स के कोविड पॉजिटिव खबर आने की जो खबर होने की खबर आना शुरू हुई, उसको लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल सब जगह बना। जो स्कूल्स हैं वो भी परेशान हो गए थे कि भाई क्या कुछ करें नहीं करें। लेकिन इस बीच में सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा राहत का खबर दिया है और एक बहुत बड़ा अपडेट आया है आप सभी के लिए। मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स अभी, जैसे कि हमने देखा था यहां पर हरियाणा में, जहां पर 1100 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे, अलग अलग जगहों पर ऐसे ऐसे खबर निकल करके आ रहे थे, तो उसको देखते हुए जो प्रिंसिपल्स थे पूरे देश भर से सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स जितने भी हैं, उन्होंने लेटर लिखा था सीबीएसई को कि भाई कुछ किया जाए, जो बच्चे कोविड पॉजिटिव हो जा रहे हैं या जिनके कोई फैमिली मेंबर अगर कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं तो वो किस तरह से एग्जाम देंगे, उनके एग्जाम्स छूट नहीं जाए, उनका एक साल बर्बाद ना हो जाए। तो इसको देखते हुए सीबीएसई ने एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं आपको बता दूं, सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जाम्स, बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम्स को पोस्टपोन किया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ है या उनके फैमिली में इश्यूज हुए हैं या इस तरह का कोई भी मुद्दा है, तो उनके लिए राहत की खबर आई है। मैं आपको पूरा डिटेल्स दे दे रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं और अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि सबसे फास्ट, सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं, एज वेल एज विथ प्रोवाइडिंग ऑल द नोट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 10 एंड 12। ओके गाइज, तो यहां पे मैं आपको अपडेट दे दूं कि सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया है दैट इफ एनीवन रिपोर्ट्स अ पॉजिटिव द चाइल्ड नीडंट वरी अबाउट हिज लैब प्रैक्टिकल एग्जाम्स। बड़ा अपडेट है कि अगर कोई भी स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव उसका रिपोर्ट पाया जाता है तो उसे अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स की चिंता नहीं करनी है, उसे चिंता करनी है सबसे पहले अपने हेल्थ की। लेकिन यहां एक बड़ा मुद्दा है, प्रैक्टिकल एग्जाम चलिए हो गया, लेकिन जिस तरह से उछाल आया है पर डे के केसेस में पूरे देश भर से, तो बोर्ड एग्जाम का क्या होगा, सीबीएसई अभी इस पे चुप है। एनीवेज, उस पे भी बात करेंगे। यहां पे देखिए क्या कहा गया है कि जिन बच्चों का एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम अगर छूटता है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके एग्जाम को पोस्टपोन किया जाएगा और उनका एग्जाम या तो अप्रैल में या इवन उसके बाद में भी लिया जा सकता है, ये सर्कुलर कह रहा है सीबीएसई का, सीबीएसई के ऑफिशियल्स, सीबीएसई का सर्कुलर ये कह रहा है। बहुत बड़ा अपडेट है गाइज, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे या परेशानी ना हो या डर ना हो, या अगर किसी के फैमिली में मिस हैपनिंग हुआ है तो उनको कम से कम टेंशन तो हम रिलीफ दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चे जो कि कोविड पॉजिटिव या जिनके फैमिली में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, इस तरह के देखे जा रहे हैं केसेस, उनको कहा गया है कि आप अपने घर पे आराम करो और आइसोलेशन पे रहो, अलग थलग होकर के रहो, अपने फैमिली में रहो, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। कोलकाता से बड़े खबर निकल करके आए हैं जहां पे कई स्कूलों में कुछ बच्चे जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स थे वो भी काफी ज्यादा परेशान थे, ठीक है, और उन्होंने भी कोलकाता के स्कूल्स ने भी, उनके प्रिंसिपल्स ने भी एप्लीकेशन लिखा था, लेटर लिखा था सीबीएसई बोर्ड को और ये इंफॉर्मेशन दिया था कि भाई कुछ कीजिए, क्योंकि हर दूसरे दिन में कुछ ना कुछ बच्चे ऐसा शिकायत कर रहे थे कि भाई वो ठीक फील नहीं कर रहे हैं या बीमार हैं, तो ऐसे केस में क्या किया जाए, उनके एग्जाम्स को, प्रैक्टिकल एग्जाम्स को कैसे कंडक्ट किया जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें स्कूल और जो बच्चे हैं दोनों प्रेशर में आ रहे थे कि उनके प्रैक्टिकल मार्क्स का क्या होगा, स्कूल्स परेशान थे प्रैक्टिकल मार्क्स दें कैसे, बच्चे परेशान थे एग्जाम कैसे दें। तो ये सीबीएसई ने कम से कम यहां पे एक रिलीफ दे दिया है सभी स्टूडेंट्स को कि परेशान किसी भी हालत में होने की जरूरत नहीं है,
अगर वैसा कुछ भी होता है तो बोर्ड उन बच्चों के लिए एग्जाम्स को रीशेड्यूल करेगा। तो गाइज बहुत बड़ा अपडेट है, और मैं आपको वैसे एक फिर से एक बात बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर के काफी सतर्क दिख रहा है, लगातार वो एक के बाद एक सर्कुलर जारी कर रहे हैं। हम आपको लगातार कई सारे इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स, फिर चाहे वो एग्जाम सेंटर चेंज करने के रिलेटेड में हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी को कैंसिल करने के रिलेटेड में हो, इंप्रूवमेंट पेपर कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड हो, सभी तरह के जितने भी अपडेट्स आए हैं हमने आपको सबसे पहले दिया है, पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ दिया है। तो गाइज अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, जल्दी से कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, सबसे पहले ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की बल्कि अदर स्टेट बोर्ड्स, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, आईसीएसई बोर्ड, एवरीथिंग एवरीबडी वी आर प्रोवाइडिंग फॉर यू पीपल। सो गाइज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ पढ़ना नहीं छोड़ना है बेटा, बच्चों आप लोगों को हम लगातार स्ट्रेटेजिकल वीडियोस दे रहे हैं। आप 30 डेज स्ट्रेटेजी वीडियो हमने आपको दिया है, लेट स्टार्ट करके आप कैसे हाई स्कोर कर सकते हो, कैसे आप टॉपर बन सकते हो, कैसे आप मतलब आप सब कुछ कवर कर सकते हो, ये सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जरूर देखना और शेयर करना, शेयर करो, क्योंकि ये साल एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने का है, छोड़ने का तो बिल्कुल नहीं है। तो हम आपके साथ हैं और आप सबके साथ रहिए, ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। वन मोर थिंग, हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।